मानव को समझने का प्रयास कर रहे थे। कल असाइनमेंट ग्रुप में एक टास्क हम लोगों ने लिया था कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में ध्यान करते हैं, उनका विचार करते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो क्या हमें सिर्फ शरीर पर ध्यान जाता है या मैं पे भी ध्यान जाता है। आपको पता लगा कि जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो ज्यादातर समय मैं को केंद्र में रख के सोच रहे होते हैं, है ना, और जब दूसरे को ध्यान दे रहे होते हैं ज्यादातर समय शरीर को ध्यान रखकर सोच रहे होते हैं। अपने को हम शरीर माने हुए रहते हैं, परंतु जब विचार करने जाते हैं तो जो हमारे अंदर भाव विचार चल रहा होता है उसमें सुख दुख, मेरा सुख दुख इत्यादि ज्यादा शामिल होता है, परंतु जब दूसरे व्यक्ति के साथ निर्वाह कर रहे होते हैं तो कई बार शरीर ज्यादा ध्यान में रहता है। तो इस चीज को हम ऑब्जर्व ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि मैं और शरीर दो वास्तविकता है, और जो मेरे साथ है वही दूसरे के साथ भी है। और हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया था कल कि हम कितना समय समाधान को लेकर विचार करते हैं और कितना समय हम समस्या के पैचवर्क सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करते रहते हैं। इसको जरा देखिए कि जिस व्यक्ति के साथ संबंध की पहचान हो जाती है उसमें हमारा कितनी बार उसके शरीर पर ध्यान जाता है या सुविधाओं या कपड़ों इत्यादि पर ध्यान जाता है, और जिसके साथ संबंध की पहचान नहीं हुई रहती है उसके साथ किन मुद्दों पर पहले ध्यान जाता है। खैर ठीक है, ये एक बात है जिसमें हम इसलिए प्रयास ये कर रहे हैं कि मैं और शरीर इन दोनों के प्रति अवेयरनेस हो जाए। तो मानव मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं का सहअस्तित्व है। इस पे पहले भी बात हुई है वर्कशॉप में, हमें से कई लोगों ने सेशन भी कंडक्ट किए हैं, तो इन मुद्दों पे ध्यान बना भी रहता है, इसको लेकर हम विचार भी करते रहते हैं। तो कैसे समझें मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को, तो एक तरीका है कि आवश्यकता को देखें और खुद से देखना शुरू करें। तो अगर अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दिखता है कि मेरी एक तरह की आवश्यकता है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, निरंतर समृद्ध होना चाहता हूँ। एक दूसरी तरह की आवश्यकता है कि सुविधा की जरूरत है, भोजन कपड़ा मकान आदि आदि। पता लगा कि जो भोजन कपड़ा मकान ये सब सुविधाएं हैं इनकी जरूरत होती है हमें टाइम टू टाइम होती है, समय समय पे टेम्पररी होती है, परंतु ये जो मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं हर क्षण सुखी होना चाहता हूँ, मेरे अंदर सम्मान का भाव बना रहे, मेरे अंदर हारमोनी रहे, ये मैं हर क्षण चाहता हूँ। ये भी दिखेगा कि जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं सुविधाओं के रूप में वो मात्रात्मक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक सीमित मात्रा में हमको उसकी जरूरत पड़ती है, जबकि मेरी जो आवश्यकताएं हैं इसमें कोई मात्रा जैसी बात नहीं है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, एक भाव के रूप में। हम ये कभी नहीं कह पाते कि मुझे 1 मीटर सम्मान चाहिए, कि 2 किलो विश्वास चाहिए आदि आदि। अगर शरीर की आवश्यकताओं को देखें तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, मेरी आवश्यकता देखें तो सही समझ सही भाव से पूरी होती है। तो कई बार क्या होता है, प्रस्ताव हमारे को मिलता है, हम पहले से जो कुछ माने रहते हैं उससे मेल भी खाता है, कई बार विश्लेषण करते हैं तो बात पूरी भी लगती है, परंतु एज इट इज उसको देखना शेष रह जाता है। जैसे सम्मान की आवश्यकता है, ये मेरी है या शरीर की है, तो तब ठीक से स्पष्ट होगा ना, जब मैं और शरीर ठीक से स्पष्ट होगा तो बात तो हमको ठीक लगती है, परंतु जब तक हम उसको सीधा सीधा देख ना ले उस पर कोई ना कोई शंका बनी रहती है, ये मैं शरीर की ही कोई विशेष क्रिया हूँ या शरीर से भिन्न एक इकाई हूँ, ये बात जब तक हम देख ना ले स्वयं में तब तक स्पष्टता पूरी नहीं होती। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, देखते हुए हम मैं को ज्यादा ठीक से देख पाते हैं, है ना, और मूल मुद्दा तो यही है कि मैं जैसा है वैसा मुझे दिख जाए, मैं का मैं से संबंध जैसा है वैसा मुझे दिख जाए, शून्य में मैं कैसे बना हुआ हूँ ये मुझे दिख जाए। ये जितना जितना मैं अपने आप को देखता जाता हूँ उतना उतना मैं मुझसे जुड़ी हुई चीजें, इसमें शरीर भी शामिल है, बाकी जड़ प्रकृति भी शामिल है, इसको भी देख पाता हूँ, जो दूसरी चैतन्य इकाइयां हैं, जो दूसरे मैं हैं, उनको भी देख पाता हूँ,
वो मैं मानव शरीर के साथ भी हो सकते हैं, पशु शरीर के साथ भी हो सकते हैं, उनको भी देख पाता हूँ। और जब मैं अपने आप को शून्य में संपृक्त देखता हूँ, जब मैं अपने आप को शून्य में बना हुआ उर्जित नियंत्रित क्रियाशील परस्परता को पहचानता हुआ निर्वाह करता हुआ देखता हूँ, समूचे प्रकृति को भी देख पाता हूँ। तो अभ्यास एक में हम लोग मैं को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करेंगे। अभ्यास दो में ये मैं और शरीर का सहअस्तित्व किस प्रकार बना हुआ है इसको देखने का प्रयास करेंगे। अभ्यास तीन जिसको अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, उसमें ये दोनों ही कैसे शून्य में बने हुए हैं उसको समझने का देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताई तीन चीजें हैं, ध्यान, जी ध्येय और ध्याता। जी तो ध्यान देना एक क्रिया है, ध्येय ध्यान देने की वस्तु है, और ध्याता मैं ध्यान देने वाला हूँ। तो मैं ध्यान ध्याता देने वाला मतलब शरीर ध्यान नहीं। देने वाला हूँ। हाँ, तो ध्यान देने वाला मैं हूँ, शरीर नहीं। ध्येय मैं भी हो सकता है, शरीर भी हो सकता है, बाहर की कोई भौतिक रासायनिक क्रिया भी हो सकती है, शून्य भी हो सकता है, समूचा अस्तित्व हो सकता है। और जो मैं ध्यान दे रहा हूँ तो वो जो प्रक्रिया है उसको ध्यान कहा। तो इसमें मुख्य मुद्दा जो होता है वो ध्येय का है। तो जी भैया, ध्याता तो मैं बना ही रहता हूँ, उसमें तो कोई वेरिएशन होना नहीं है। ध्यान देने वाला तो मैं हर बार मैं ही हूँ। ध्येय को निश्चित करना जरूरी है। तो जब भी देवचंद जी पूछे कि ध्येय किसको बनाए, तो उसमें निकल कर आया कि जो सहज स्वीकृति है ना, एक तो उस पर ध्यान देंगे हम कि कौन सा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है, उस पर ध्यान देंगे। उसके साथ मेरी जो अभी कल्पनाशीलता की स्थिति है उस पर ध्यान देंगे, और उसके साथ फिर जो मैं भागीदारी कर रहा हूँ, निर्वाह कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे, शरीर के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ, है ना, उस पर भी ध्यान देंगे। उसके अलावा जो बाहर की घटनाएं हो रही हैं, आवश्यकता होगी तो ध्यान देंगे, अदरवाइज नहीं ध्यान देंगे। तो जैसे मेरे चारों तरफ पूरी प्रकृति में बहुत सारी क्रियाएं हो ही रही हैं, है ना, जी हो सकता है मैं अभी उस क्षण के साथ भागीदारी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब कोई आवश्यकता होगी तो ध्यान देंगे। जैसे बाहर में लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब हर व्यक्ति का थोड़ा स्टॉक टेकिंग करना है, जिनके साथ भागीदारी कर रहा हूँ उनके साथ करूंगा। जी जी भैया, थोड़ा मुझे ध्येय अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे ध्याता तो मैं सेल्फ हूँ, वो मुझे स्पष्ट हो गया कि ध्यान मतलब मैं ही देता हूँ, जो सेल्फ है वो ही देता है, बॉडी तो ध्यान दे नहीं पाती है, ध्याता नहीं है। दूसरी क्रिया जो अपने नियर बाई जो भी क्रिया हो रही है, जैसे कोई चल रहा है, कोई गा रहा है, खा रहा, तो वो क्रिया मान सकते हैं अपन उसको। हाँ, हाँ, ये तो क्रिया होगी, लेकिन देह का जैसे कि ये ध्यान देने की वस्तु, मतलब ये मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया भैया। ध्यान देने के बाद जैसे मैं अपनी कल्पनाशीलता को ध्यान दे रहा हूँ, तो अच्छा, कल्पनाशीलता तो ध्येय हो गया। अभी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, जी है ना, तो आप मेरे लिए ध्येय हो गए, आपका प्रश्न मेरे लिए ध्येय हो गया, अच्छा, ठीक जो है। अपनी कल्पनाशीलता में चलता है या कल्पनाशीलता में है। हाँ, ध्यान मतलब मैं किधर ध्यान, ध्येय मतलब मैं किधर ध्यान दे रहा हूँ। जैसे आपके प्रश्न की ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ, जी उचित जी है ना, जी आपके प्रश्न को ध्यान दे रहा हूँ, जी ये भी उचित है। तो ध्येय मतलब जिधर मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो उसमें बात हुई कि अपनी सह स्वीकृति को ध्यान दे सकते हैं। तो जैसे जो हम मैं को समझने का काम करते हैं, है ना, सुख को समझने का काम करते हैं, सम्मान विश्वास इन सबको समझने का काम करते हैं, तो ये भी मेरा ध्येय है, इसको मैं ओके ध्यान दे रहा हूँ। ठीक, अभी आपका व्यवहार कर रहा हूँ, आपकी आवाज को सुनना मेरा ध्येय है, तो उधर ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं। फिर जी उसके साथ अपनी कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उस पर भी ध्यान दूंगा। जैसे आपकी बात को सुनकर मेरी कल्पनाशीलता में कुछ चलेगा, कुछ विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण ठीक होगा तो आपके प्रश्न का उत्तर ठीक जाएगा, तो उधर भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक बात। तो मुद्दा जो है वो ध्येय को निश्चित करने का है। तो क्या होता है, कई बार हम ध्यान की प्रक्रिया में भी उलझ जाते हैं कि ऐसे ध्यान दे, आंख मूंदे कि आंख खुला रखें, बैठे कि खड़े हो जाएं, ठीक है ना, सुबह करें कि शाम करें। तो ये जो प्रक्रिया है आप अपने आप में तय कर लीजिए, ये आपकी है ना चॉइस है। ध्याता में तो कोई ओके, परिवर्तन होना नहीं है, मुख्य हाँ मुद्दा देता ध्येय को तो तय करने, जी, जी मुख्य मुद्दा ध्येय को तय करने का है। तो ध्येय सही क्या है, समझ ना, रहा तो ध्येय अगर देखें तो व्यवस्था है, संगीत है, हारमोनी है। उसी को फैलाकर देखें तो संबंध है, व्यवस्था है, सहअस्तित्व है, ये ध्येय बन जाता है हमारा, इसको देख पाना।
फिर इसके साथ मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देख पाना, फिर उसके साथ मैं किस तरह भागीदारी कर रहा हूँ परिवार के सदस्यों के साथ, कॉलेज में कलीग्स के साथ, सोसाइटी में, नेबरहुड में, ये सब मेरा ध्येय बन जाता है कि मैं इनको ठीक से देख पाऊँ, मेरी भागीदारी मुझे दिख रही है कि नहीं। तो बर्थडे मनाने का पर्पस क्या है? ठीक है, तो अभी एक हो सकता है एक मान्यता सी बन गई हमारी, बर्थडे होता है तो ऐसे मनाना चाहिए, वैसे मनाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बर्थडे होता क्या? बर्थडे किसका हुआ है? बॉडी का हुआ है, सेल्फ का हुआ है? ठीक है, तो इस सब त्रिकोण को ले आएंगे तो उसमें एक गंभीरता आएगी ध्यान देने में, अगर बच्चे के साथ डायलॉग हो पा रहा है उस उम्र में। तो बर्थडे का बच्चा पर्पज क्या है, बर्थडे के सेलिब्रेशन तो में क्या अभी पर्पज है? 8 ही साल का है, अब उसको उतना नहीं समझ में आता, थोड़ी बहुत बातें समझ में आती हैं जो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं कहीं अभी भी मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि मैं कन्वे नहीं कर पाता हूँ अपनी बात उस तरीके से। देखिए, हमको बच्चे को डिक्टेट नहीं करना है, बच्चे से रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं, उसकी एक्सप्लोरेशन को ओपन अप करना है। तो आप अगर इन मुद्दों पे बात शुरू करते हैं ना, तो फिर बच्चे को एक्सप्लोर करके रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर आप वेरियस ऑप्शंस ओपन कर दीजिए कि भाई, है ना, शरीर के साथ जुड़ा हुए 8 साल हो गया, तो इन 8 सालों में हमारा क्या अचीवमेंट रहा, उसको बैठ के हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं, ध्यान देते हैं उसके ऊपर, ठीक, और अगले 1 वर्ष में क्या करना है उसको समझते हैं। तो जो बर्थडे है वो तो एक अपना इवैल्यूएशन का और एक आगे कमिटमेंट का समय है, बैठ के हम करें, है ना, जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, तो निकालते हैं कि 1 साल में कितना अचीव किए, क्या शेष है, इत्यादि इत्यादि। तो वैसे ही हम अपनी उम्र जो हमने बिताई उसमें क्या अचीवमेंट हुआ। तो बच्चे को भी अगर हमें ध्यान में ले आए बचपन से ही कि मुख्य मुद्दा तो सेल्फ के डेवलपमेंट का है, पिछले 1 वर्ष में हमने कितना सेल्फ को डेवलपमेंट के लिए काम किया, कितना हमने अन्यथा किया, इन सबको काउंट करते हैं, अगले 1 वर्ष में क्या करना है इसको भी काउंट करते हैं। अगर इतनी गंभीरता से अगर हम बच्चे का ध्यान दिला पाए तो बच्चे की जो कल्पनाशीलता है उसकी दिशा बदलेगी। तो जहाँ अभी मेरी मेकिंग को लेकर, है ना, और इत्यादि की कल्पनाएं होती हैं, उसका भी देखिए तो एक्सपोजर तो हमने दिया है। तो जैसे कहीं बर्थडे हो रहा हो, हमें इन्वाइट किया गया, हम जाते हैं, ठीक, वहां का पूरा सेलिब्रेशन वो बच्चा देखता है, उसके अंदर वो इच्छा बनती है। हम अपने आप में भी तय कर सकते हैं कि भाई इस तरह के जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वहां बच्चे को लेकर जाने कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ सार्थक हो रहा हो तो वहां लेके जाएंगे। तो आपको दिखाई देगा बच्चा तो मासूम सा था छोटे से, है ना, हमने जिस तरह से निर्वाह किया वैसे उसकी कंडीशनिंग हो गई। हम अपने निर्वाह पे पहले ध्यान देंगे तो बच्चे को ये बारे में हमको दिखेगा कि कई बार हमको सेंसेशन ड्रिवेन जो लाइफ स्टाइल है उसके हम उसको शामिल करते हैं, उसको कई बार हम मनोरंजन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, है ना, तो वो बच्चा उसके लिए अभ्यस्त हो जाता है। वैसे हम कंडीशनिंग करते हैं बच्चे की, सुविधा ही सुख है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, सुविधा ही सुख है। देखो बच्चे, ये तुम्हारा ये कितना बढ़िया गाड़ी है ना, थोड़ा और सैलरी मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये गाड़ी बेच के वो गाड़ी ले लूंगा मैं। अब बच्चे को दिखता है कि हाँ यही सुख है ना, कि छोटी गाड़ी बेच के बड़ी ले लें, बड़ी को लेकर बेचकर और बड़ी ले लें, इस शहर से उठ के वहां। उदाहरण के लिए मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ, हम बच्चों से जो बातचीत करते हैं घर में, जो बातचीत होती है वो सब बच्चा सुनता है, रिसीव करता है, उससे उसकी कंडीशनिंग होती जाती है। तो जो मैं और शरीर का अंतर है, यदि हमें स्वयं स्पष्ट ना हो, ठीक, तो हम उस स्पष्टता के साथ बात नहीं कर पाते कि दोनों की आवश्यकता अलग है। हम खुद ही नहीं देख पाते अगर कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, सामयिक है ना, और ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। मेरी आवश्यकता कभी भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी नहीं होगी। तो बच्चे को भी कह सकते हैं कि देखो, तुम्हारा बेसिक एस्पिरेशन तो है कि तुम सुखी होना चाहते हो, और ये सुविधाओं से होने वाला नहीं है, ठीक है ना। घर में कितनी भी सुविधाएं हम खरीद के ले आए, बट इन लोग को आपस में का व्यवहार ठीक नहीं है, तो ना तुम्हें सुख मिलेगा ना मुझे सुख मिलेगा। तो बच्चा समझ जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर बच्चे को लेकर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, जब हम समाज के साथ जिस तरह से जुड़ते हैं, इसमें एक मेजर रोल मैं देखता हूँ कि हम बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं क्या, है ना, सेलिब्रेशन किस तरह से बाहर हो रहा है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं क्या, शादियों में भी हम किस तरह से शामिल हो रहे हैं, जन्मदिन पे जो, इसमें हम बच्चे को लेके जाते हैं, भागीदार बनाते हैं उसको, फिर बच्चे के अंदर वैसी एक इच्छा बन जाती है। मैं तो ठीक बच्चे, भैया बोलिए बोलिए आप बोलिए।
तो ये बातें अगर हमको स्पष्ट हो, मैं और शरीर की दोनों की आवश्यकता अलग है, क्रिया अलग है, तो ये हम बच्चे को स्पष्ट कराएंगे, बचपन से स्पष्ट कराएंगे और उसी स्पष्टता के साथ निर्वाह करेंगे। तो कपड़े का प्रयोजन ये नहीं है कि आपको कपड़े सम्मान मिले, कपड़े का प्रयोजन ये है कि आप ठंड से बचे रहें, गर्मी से बचे रहें, है ना, शरीर का संरक्षण ठीक से हो, कि जैसा समाज है वैसा दिया जाए। नहीं, देखिए पहले कुछ समाज का चयन हमने किस प्रकार किया। तो फॉर एग्जाम्पल एक है ना, फिर मैं एक ऐसे इन जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी क्या होता है कि हमको मान लीजिए मकान खरीदना है, तो हम अपनी सैलरी के हिसाब से जो सबसे पॉश कॉलोनी अफोर्ड कर सकते हैं वहां चले जाते हैं रहने के लिए, है ना, वहां मकान ले लेते हैं। फिर उसका हम मकान का बहुत सारा अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर, उसका ईएमआई भर के उस मकान में सेटल होते हैं। फिर जो आस पास के लोगों का लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार हमको कंपेटेबल होना पड़ता है। तो ये गलती हमने पहले ही कर दी, ठीक है ना। अब उनके साथ कंपेटेबल होने के लिए, अब आप वहां जाके सोचे कि मैं, है ना, इतनी सीमा में सुविधाओं का प्रयोग करूंगा, तो आपके ऊपर परस्परता का दबाव बनता है। तो पहले तो समाज का चयन ही गलत कर दिया हमने, ठीक है। समाज का जो चयन किया हमने सुविधाओं के आधार पर कर लिया, समझ और भाव के आधार पर नहीं किया, ठीक। और उसके अनुसार फिर एडजस्ट करने में लग गए। दूसरा जो गलती होती है कि जो समाज के अनुसार जीने लगे वो भी ठीक नहीं है, बल्कि हम सही बात समाज में ले जाएंगे और समाज के लोगों को सही दिशा देंगे। इसमें तीसरी बात यह होती है कि आप जब सही जीना शुरू करते हैं तो समाज में जो लोग सही जी रहे हैं उनके साथ ही आपका समाज बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप कहाँ रह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अभी जो है सुबह चर्चा हो रही है, हम 150-200 लोग आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे से अपने भाव अपने विचार शेयर करते हैं, तो एक नया जुड़ाव बना समाज के साथ, ठीक है ना। तो कल के दिन आपके घर में कोई अवसर होता है तो अगर जिस जिन तरह के लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी, अगर उनको अपने घर बुलाएंगे तो दबाव नहीं रहेगा, बल्कि उल्टा होगा। मान लीजिए मैं आपके घर जन्मदिन पे आया और आपने बहुत सारा वो सब किया जो सेंसेशन ड्रिवन है, मैं आपसे पूछूंगा ही इसका क्या प्रयोजन है कि नहीं। तो परिवर्तन मतलब जो भी ऐसा है जो निश्चित नहीं है, निरंतर नहीं है, सार्वभौम नहीं है, उसको तो परिवर्तन कहेंगे। जो निश्चित है अपने आप में, जिसमें निरंतरता है और जिसकी सार्वभौमिकता भी है, वो परिमार्जन है। तो सेल्फ में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो परिमार्जन है, बट सेल्फ की कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है, समय समय में बदल रहा है, वो सब परिवर्तन है। बाहर के जड़ जगत में जो कुछ अदल बदल हो रहा है, ये सब परिवर्तन है जी। समाधान जी, दी बस एक सेकंड में कुछ प्रश्न थे उनको ले लेते हैं। समाधान का मतलब है कि ज्ञान के आधार पर मेरे अंदर जो भाव विचार निश्चित होता है उसको समाधान कहा। तो जब मेरे अंदर सहस्तित्व का ज्ञान होता है, व्यवस्था का ज्ञान होता है, संबंध का ज्ञान होता है, तो उससे मेरे भाव विचार निश्चित होते हैं, इसको समाधान कहा। तो आज असाइनमेंट के रूप में मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और ये जो बात हुई है ना कि ध्येय ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम ठीक से निश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारे ध्येय क्या है, समझ की वस्तु है, सही जीने की वस्तु है या अन्यथा है, उसको अपने आप में देख पाएंगे, बहुत ही उपयोगी रहेगा।